जो एम हैं, इन्वेस्टमेंट करके अंडर डेवेलप कंट्रीज में हेल्प करती हैं उनको टू अचीव दी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट जो एम एनसीज है वो प्रोवाइड करवाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैनेजेरियल सर्विसेज उन एंटरप्राइजेस को जो एस्टैब्लिश वो कर रही हैं दूसरी कंट्री में और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है इन एंटरप्राइजेस की वो इंक्रीज होती है रिसोर्स ऑप्टीमली यूटिलाइज होते हैं एंड थ्रू दी मीडियम ऑफ मल्टी नेशनल ऑपरेशन जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होती है फ्राम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज तो जो एम हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं मैनेजीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्किल्स टू डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत सारे एरियाज में जो एम हैं वो कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवाती है।, है वो अवेलेबल करवाती है मार्केटिंग सर्विसेज स्पेशली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मार्केट रिसर्च स्टोरेज फेसिलिटीज ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग ब्रेंडिंग एसेक्टर और ये सारी सर्विस एफिशियंटली परफॉर्म करती है मल्टी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरन एक्सचेंज मल्टी नेशनल कॉपोरेशन जो अपनी कैपिटल लाती हैं वो फॉरन करेंसी में लाती है जिससे जो इनफ्लो है फॉरन करेंसी का डोमेस्टिक कंट्री में वो इंक्रीज होता है और ये जो अवेलेबिलिटी है फॉरन एक्सचेंज की डोमेस्टिक कंट्री में वो इंक्रीज होती है और जो हेल्प करता है कंट्री को टू मेक पेमेंट ऑफ असेंशियल इम्पोर्ट द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट कंट्रीज जहाँ पर मल्टीनेशनल नेशनल कॉपोरेशन कर करती है अपनी सब्सिडीज वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके नई सब्सिडीज को सेटअप करके न्यू एंटरप्राइजेस को सेटअप कर करती हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप इंक्रीज होता है इज़ इंक्रीज इन नॉलेज जो एम हैं वो इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग लोकल इम्प्लॉइज को इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मार्केटिंग फाइनेंस एक्सपोर्ट और इस तरीके से वो अपनी एबिलिटी और जो स्किल है टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट देयर एक्टिविटीज ऑन मॉडर्न लाइंस वो देस करती है द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स जो मल्टीनेशनल नेशनल है वो यूटिलाइज करती हैं डोमेस्टिक लेबर को जो चीप है जो कम रेट पर उन्हें मिल रहा है और अपने ह्यूज कैपिटल रिसोर्सिस को कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में जो मैनेजीरियल स्किल है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और अदर सोर्सेज है MNC's के उससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है रिसोर्सेज का एंड बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अच्छा निकलता है और जो प्रोडक्ट है वो इजीली फॉरेन मार्केट्स में एंटर एंट्री उस, मिल जाती है जिससे जो एक्सपोर्ट है कंट्री का इंक्रीज होता है देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एंट्री जो है एम एनसीज की वो प्रमोट करती है कॉम्पिटिशन को डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंक्रीज कॉम्पिटिशन की वजह से प्राइजेस कम होते हैं जो बेनिफिशियल होता है कंज्यूमर्स के लिए जो एंट्री हुई LG सैमसंग सोनी की इन इलेक्ट्रॉनिक्स उसने प्रमोट किया कंपटीशन को इंडिया में और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके प्राइजेस डिक्रीज हुए देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती हैं इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वो प्रोवाइड करवाती है मैनेजरियल स्किल्स टेक्निकल नो हाउ एंड फंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सेटअप इंडिया में हुई हैं बाय जैसे फिलिप्स गलेक्सो कोलगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉक्टर एंड गैम्बल नेस्ले बीपीएलआर एफ एक्सेट्रा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल नेशनल एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मल्टीनेशनल नेशनल फर्स्ट पॉइंट इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम होस्ट कंट्री होस्ट कंट्री का मतलब है वो कंट्री जहां पर मल्टी नेशनल अपनी सब्सिडी को सेटअप कर रही है तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन एम का वो होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो इन्वेस्ट करती है कैपिटल अंडर डेवेलप कंट्रीज में और इन्वेस्टमेंट कंट्री में जब ये करती हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्स ज्यादा हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल प्रूफ होती है और जो भी प्रॉफिट ये अर्न करती हैं अंडर डेवेल्प कंट्री से वो अपने हेड क्वार्टर्स में वो भेज देती हैं और एम लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज उस कंट्री से बाहर निकाल लेती है बाय वे ऑफ डिविडेंड रॉयल्टी मैनेजमेंट फीस एक्सेट्रा जो वो अपनी जो उसकी दूसरी सब्सिडीज हैं डिफरेंट कंट्रीज में और जो उसकी एम का हेड क्वार्टर है वहां पर वो सेंड कर देती है तो सो इन लॉन्ग रन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है होस्ट कंट्री का नेक्स्ट इज योर हार्मफुल फॉर ियस प्रोड्यूसर जो एमएनसी है वो हार्मफुल प्रूव होती है इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स के लिए क्योंकि वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अपने प्रोडक्शन सिस्टम में तो जो कॉरपोरेशन है ये जो एम एनसीज है वो अपने प्राइजेस जो है प्रोडक्ट्स के वो कम रखती हैं तो जो इंडिजीनियस प्रोड्यूसर है क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास वो नहीं है उसकी जो पर यूनिट की है वो ज्यादा आ रही है तो वो उतने प्राइजेस को कम नहीं कर पाता है और फिर वो मार्केट से आउट हो जाता है और एक बार जब इंडिजीनियस इंडस्ट्री कम्पलीटली डिस्ट्रॉय हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन तो जो एम है वो फुल कंट्रोल कर लेती है ओवर दी मार्केट और इस कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की वजह से जब उसने इंडोजीनियस प्रोड्यूसर्स को हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट से बाहर निकाल लिया निकाल दिया जो प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड सेक्टर से उसे बाहर निकाल दिया तो जो मोनोपोलिस्टिक uh, वाला जो फीचर uh, है कंट्रोल का वो एमएनसीज के पास आ जाता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट में रहना लॉन्ग टर्म में क्योंकि उनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सिस नहीं होते और एम के पास जो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सिस हैं हाई टेक्नोलॉजी है कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, है उन एडवांटेजेस की वजह से वो कंपटीशन में आगे हाई पोजीशन पर रहती है जो एमएनसी है देन नेक्स्ट इज योर अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप करते हैं जहाँ पर डिवेल्प्ड सिटीज है टाउन्स है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है वो बैकवर्ड एरियाज में इस्टेबलिश नहीं करते हैं जिसकी वजह से जो ऑलरेडी डिवेल्प एरिया है उसी में डिवेल्पमेंट होती है और बैकवर्ड एरियाज अनटच्ड रह जाते हैं जिससे जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो इंक्रीज होती है देन लेस यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी MNCs, अपना जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे एम कभी भी अंडर डेवेलप कंट्रीज में अप्लाई नहीं करती है क्योंकि जो अंडर डेवेल्प कंट्री के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है वो एम के लिए आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी होती है तो ये जो कॉपोरेशन है वो यूज जो है न्यू इक्विपमेंट्स का टेक्नोलॉजीज का वो सिर्फ तब करती हैं जब उन्हें हेल्प मिले इन रिड्यूसिंग रेड्यूसिंग कॉस्ट और रेजिंग देयर प्रॉफिट्स लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज क्योंकि बिना कुछ स्पेंड किए ही इम्प्रूविंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी पर उन्हें जो हाई प्रॉफिट्स है वो मिल जाते हैं द नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन जो गवर्नमेंट है होस्ट कंट्री की वो इम्पोज करती है कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन द इनकम ऑफ कंपनीज एंड और ए, की जो इंक्रीज है वो अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट करे लेकिन इन एवॉय टू कॉपोरेशन टैक्स जो एम एंसीज हैं वो अपना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस कर देती हैं और वो कैसे करती हैं बाई ट्रांसफर प्राइजिंग मैथड्स और इस मैथड के अकॉर्डिंग जो एमएंसी है वो बाय करती हैं इंटरमीडिएट गुड्स अपनी सब्सिडीज से बाहर जो दूसरी कंट्रीज में है एट हाई प्राइज और अपना जो लोकल प्रोफिट है वो उसे कम दिखा देती है तो सिमिलरली एमएंसी करती हैं, अपने products, अपनी subsidies को बाहर की countries में जो है at lower prices और वैल्यू करती हैं अपने एक्सपोर्ट्स को टू शो तो जो लोकलसी है ओवर इनवाइस करके इम्पोर्ट्स को और अंडर इन्वायस करके एक्सपोर्ट्स को लेस प्रॉफिट शो करती हैं और इस तरीके से मेनुपुलेशन करके बिल्स का एम जो टैक्स है उसको अवॉइड करती है लैक इन मॉरलिटी एंड एथिक्स जो बहुत सारी एम एनसीज है वो इंडर्ज होती हैं अनएथिकल और करप्ट प्रैक्टिस में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो ब्राइब्स भी ऑफर करती हैं हाई ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को दूसरी कंट्रीज में जाके और ऐसी ट्रांजेक्शन उनके साथ करती हैं जिससे सिर्फ खाली उन्हीं का जो ओन इंटरेस्ट है वो फुलफिल होता है पोलिटिकल इंटरफेयरेंस जो एम हैं वो इंटरफेयर करती हैं पॉलिटिक्स में होस्ट कंट्री के ये जो कॉपोरेशन है वो हर एफर्ट करती हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लाने की होस्ट कंट्री में जो फेवरेबली उनके लिए पॉलिसी बनाती है नेक्स्ट इज इनकरेज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट जो एम हैं वो हैवी एक्सपेंडिचर करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे पब्लिसिटी पे और ये वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर है वो अल्टीमेटली बॉर्न करना पड़ता है कंज्यूमर को क्योंकि जो एमएनसी प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट्स वो अपर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के लिए करती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम कॉस्मेटिक्स कार्स हाई प्राइस ब्रांडेड गार्मेंट शूज एक्सेट्रा और इससे डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्रिएट होता है तो जो लोग हैं अंडर डेवेलप्ड कंट्रीज के वो एम के प्रोडक्ट्स के लिए क्रेजी होते हैं, जिसकी वजह से जो डायवर्जन है रिसोर्सिस का वो टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ नॉन असेंशियल गुड्स होता है देन नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटिशन विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो वेरियस एम हैं वो अलाउड allow, है उनको प्रोडक्शन करना उन एरियाज में भी जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छा ऑलरेडी कर रही हैं जैसे पोटैटो चिप्स वेफर्स बिस्किट्स जैम कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा एंड बिकॉज ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड इमेज ऑफ एमएनसीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं एम के साथ फॉर एग्जाम्पल अंकल चिप्स की जो एंट्री हुई

इन जून 2015 नेस्ले को विड्रॉ करना पड़ा था अपना पॉपुलर प्रोडक्ट मैगी इंडियन मार्केट से क्योंकि ये फाउंड किया गया था कि उसने वायलेट किए हैं प्रोडक्ट ने फूड सेफ्टी नॉर्म्स जो इंडिया में अप्लाई होते हैं और अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो वो ये कि मल्टी नेशनल्स अर्न करती हैं प्रॉफिट इवन एट द कॉस्ट ऑफ़ द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन जो एम हैं है वो रिक्रूट करती हैं क्वालिफाइड और स्किल्ड इंजीनियर्स को टेक्नीशियंस को एक्सपर्ट्स को इंडिया में और कुछ टाइम बाद इन्हीं इंडियन एक्सपर्ट्स को वो एब्रॉड भेज देती है फॉरेन सब्सट्रीज में एम की और इस तरीके से जो एम हैं वो इंडियन टैलेंट और एक्सपर्टाइज को दूसरी कंट्रीज में यूज करती हैं नेक्स्ट इज लेस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं वो प्रोडक्ट जो विद द हेल्प ऑफ लोकल टेक्नोलॉजी भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जैसे लिपस्टिक टूथपेस्ट कॉस्मेटिक्स आइसक्रीम बिस्किट्स कोलाज प्रोसेस्ड गुड्स फूड्स एक्सेट्रा और मोस्ट ऑफ एमएनसीज़ जो हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं कंज्यूमर गुड्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन जो मेन एम है इन कॉरपोरेशन का वो है

टेक्नोलॉजी एमएनसीज लेके आती हैं इंडिया में वो अनसुटेबल है इंडिया के लिए एमएनसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेके आती है जो सूट नहीं करती है इंडियन इकोनॉमी को क्योंकि इंडिया में कैपिटल की कमी है लेकिन लेबर अबेंडेंट अमाउंट में है इकोनॉमी में तो कीपिंग इन व्यू जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और जो स्क्योरसिटी ऑफ प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है उसके स्क्योरसिटी ऑफ कैपिटल की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा सुटेबल है इंडिया के लिए लेकिन यूज करती है वो लार्जली इन फेवर ऑफ फॉरन कोलेबोरेटर्स होते हैं ड्यू टू लेस बार्गेनिंग पावर ऑफ द इंडियन साइड जो फॉरन कोलेबोरेशन एग्रीमेंट्स है वो लार्जली इन फेवर ऑफ फॉरन कोलेबोरेटर्स होते हैं नॉट इन फेवर ऑफ इंडियंस देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ मोनोपली पावर्स जो एमएनसी है वो इकट्ठे हाथ में ला लेती हैं बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज से इंडिया में और जिससे जो मोनोपोलीज हैं वो ग्रो होती हैं द नेक्स्ट इज योर हार्मफुल फॉर कंज्यूमर है एम एनसीज हार्मफुल है कंज्यूमर के लिए क्योंकि वो एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो हायर प्राइस चार्ज करती हैं कंज्यूमर से जिसकी वजह से एडॉप्ट करती हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट हो गया इन शॉर्ट अगर हम कहें मल्टीनेशनल के बोथ मेरिट्स एंड डी मेरिट्स हैं जो गवर्नमेंट है उसे स्पेशल पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए डिमेरिट्स को अवॉइड करने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर इन मल्टी को इनक्रेज किया जाए जहां पर वो गारंटी करती हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करेंगी और यूटिलाइज करेंगी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉपरेशन इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच